नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। ललन ने नीतीश कुमार को जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर लिया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। भले ही बीते कई दिनों से ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर हवा बनी हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले पटना में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। हालांकि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में हुआ वही जिसके आसार थे। ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। वहां मौजूद लोगों ने नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद संभालने का नारा लगाया और नीतीश कुमार ने उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इधर ललन सिंह ने कहा कि मैं बहुत समय से पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं, मुझे चुनाव लड़ना है और पार्टी में दूसरे काम भी करने हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार को पार्टी की कमान मिलने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इसे खेल का अंत नहीं शुरुआत बताया, तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी तंज कसा है। नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं। एनडीए में आने के बाद चलिए सर, कोई है कुछ ऐसा? कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की, हालांकि सीट बंटवारे की बात को वो गोलमोल कर गए। इधर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी उस पार्टी की पहचान तो नीतीश जी से ही है, और नीतीश जी जब खुद हो गए तो हम लोग, पूरा बिहार खुश है, पूरा देश खुश होगा। इसमें कहाँ ये कि हम लोग बीजेपी को जीरो पर आउट करेंगे, इसका फलसफा और उद्देश्य एक ही है। सीट भी तो मिलनी चाहिए उस हिसाब से। सीट मिलेगी, कौन कह रहा है कि सीट नहीं मिलेगी? आपके रुकने से हम लोग रुकने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बस आधे घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार की जय जय के बीच एक साथ कई संदेश काफी सहजता से जारी हो गए। इसका सीधा संबंध बिहार के ब्रांड नीतीश से है। दरअसल इंडिया अलायंस की दिल्ली में हुई बैठक में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे कर दिया था। इसके बाद ये बात सार्वजनिक हुई कि नीतीश कुमार किनारे कर दिए गए हैं। जेडीयू नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के स्टैंड का विरोध किया था। वैसे नीतीश कुमार ने खुद के नाराज रहने की बात से इनकार किया था। इधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज फिर से जिस अंदाज में नीतीश कुमार की जय जय के बाद जेडीयू का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके जरिए इंडिया अलायंस को संदेश सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। यानी ये बात बताई गई है कि सीटों की संख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण बिहार में बगैर नीतीश कुमार के बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि ललन सिंह के इस्तीफे की ये पटकथा तुरंत नहीं लिखी गई है। जाति आधारित गणना भी एक बड़ा फैक्टर नजर आया है। जाति आधारित गणना मुख्य रूप से नीतीश कुमार ने आगे किया। इसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बिहार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में जेडीयू अध्यक्ष एक सवर्ण जाति के व्यक्ति का होना थोड़ा पार्टी को जरूर खल रहा था। वहीं एक कारण ये भी है कि इस महीने के तुरंत बाद इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। ऐसे में अब ब्रांड नीतीश का इसमें सीधा हस्तक्षेप होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 11 बजे शुरू हुई और 1.5 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गई, जिसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मीटिंग से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पोस्टर लगाए गए। इनमें लिखा था कि गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश चाहिए। यानी जेडीयू ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो कतई भी सीट बंटवारे और पीएम के चेहरे की रेस में बाहर रहने वाले नहीं है। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।